नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पेल्टन टर्बाइन और फ्रांसिस टर्बाइन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। दोनों टर्बाइंस के बीच में डिफरेंस को बताने के लिए कुछ फैक्टर्स हमने डिसाइड किए हैं, जिसके आधार पर देखेंगे कि दोनों टर्बाइंस एक दूसरे से कैसे अलग हैं। सबसे पहला फैक्टर है इन्वेंटर, कि किस टर्बाइन को किसने इन्वेंट किया। पेल्टन टर्बाइन को लेस्टर एलन पेल्टन ने इन्वेंट किया, जो एक अमेरिकी नागरिक थे, और इनको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का फादर भी कहा जाता है। तकरीबन 1870 की बात है जब पेल्टन ने एक पेल्टन टर्बाइन व्हील्स को इसने मॉडल के तौर पे बनाया था और उसको टेस्ट किया था, बाद में मैन्युफैक्चर किया था। लेकिन जो लार्ज जो पेल्टन व्हील है उसको 1878 में माइनर्स फाउंड्री नवाडा सिटी कैलिफोर्निया में उसको इंस्टॉल किया गया था पहली बार। अगर हम बात करें फ्रांसिस टर्बाइन की, फ्रांसिस टर्बाइन को 1848 में जेम्स बी फ्रांसिस, जो एक ब्रिटिश अमेरिकन सिविल इंजीनियर थे, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। और अगर हम बात करें नेक्स्ट फैक्टर की, वो है हेड, कि किस टर्बाइन का कितना हेड होता है। पेल्टन टर्बाइन को हाई हेड टर्बाइन कहते हैं, क्योंकि इसका जो हेड होता है वो 250 मीटर से ज़्यादा होता है, जबकि फ्रांसिस टर्बाइन को मीडियम हेड कहा जाता है, जिसका जो हेड है वो 60 से 250 मीटर तक होता है। उसके बाद है टाइप ऑफ टर्बाइन। पेल्टन टर्बाइन एक इम्पल्स टर्बाइन है, जबकि फ्रांसिस टर्बाइन एक रिएक्शन टर्बाइन है। क्योंकि पेल्टन टर्बाइन में जो वाटर में एनर्जी अवेलेबल होती है उसको काइनेटिक एनर्जी में बदला जाता है जब वह नोजल से पास करती है, जबकि जो रिएक्शन टर्बाइन, जो फ्रांसिस टर्बाइन है, इस केस में पानी में मौजूद अवेलेबल एनर्जी को, क्योंकि जो रनर के एंट्रेंस पे जो एनर्जी अवेलेबल होती है उसके कुछ पार्ट को काइनेटिक एनर्जी में बदला जाता है, लेकिन ज़्यादातर पार्ट है उसका प्रेशर एनर्जी में रहता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कि हेड के तौर पर पेल्टन टर्बाइन में जो टोटल पोटेंशियल हेड है उसको काइनेटिक हेड में बदला जाता है, जबकि फ्रांसिस टर्बाइन के केस में टोटल पोटेंशियल हेड के एक पार्ट को काइनेटिक हेड में, जबकि जो मैक्सिमम पार्ट है उसको प्रेशर हेड में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है टाइप्स ऑफ फ्लो। पेल्टन टर्बाइन में जो फ्लो होता है वो टेंजेंशियली फ्लो होता है, क्योंकि जो वाटर है वो स्ट्राइक करता है रनर को टेंजेंशियली टू द पाथ ऑफ रोटेशन, जबकि फ्रांसिस टर्बाइन एक मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन होती है, क्योंकि इसमें जो वाटर है वो एंटर करता है रेडियली डायरेक्शन में और वो एग्ज़िट करता है एक्सियल डायरेक्शन में। तो इस प्रकार जो फ्रांसिस टर्बाइन है इसमें रेडियल प्लस एक्सियल फ्लो होते हैं, इसलिए इसको मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन भी कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है स्पेसिफिक स्पीड। स्पेसिफिक स्पीड का अगर हम बात करें, जो फॉर्मूला होता है वो होता है ns n अंडर रूट p एच रेज टू पावर 5/4। इसका मतलब ये है कि जिस टर्बाइन का हेड ज़्यादा होगा उस टर्बाइन की स्पेसिफिक स्पीड कम होगी, और जिस टर्बाइन का हेड कम होगा उसकी स्पेसिफिक स्पीड ज़्यादा होगी। तो पेल्टन टर्बाइन का हेड ज़्यादा है तो इसकी स्पेसिफिक स्पीड कम होती है, और फ्रांसिस टर्बाइन का हेड पेल्टन टर्बाइन से कम है तो इसकी स्पेसिफिक स्पीड ज़्यादा होती है। नेक्स्ट फैक्टर है यूज़ ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब एक ग्रेजुअली एक्सपेंडिंग ट्यूब होती है, जिसकी मदद से वाटर को टेल रेस में डिस्चार्ज किया जाता है। पेल्टन टर्बाइन में जो ड्राफ्ट ट्यूब है उसका प्रयोग नहीं करते, पानी डायरेक्टली टेल रेस में डिस्चार्ज हो जाता है, जबकि जो फ्रांसिस टर्बाइन है उसमें हम ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं पानी को डिस्चार्ज करने के लिए रनर के एग्जिट से टेल रेस तक। अगला फैक्टर है प्रेशर। जो पेल्टन टर्बाइन है इसमें जो थ्रू आउट जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है इनलेट से आउटलेट तक, लेकिन फ्रांसिस टर्बाइन में जो प्रेशर है इनलेट पर ज़्यादा होता है और आउटलेट पर प्रेशर कम होता है। अगला है फैक्टर है वो है केसिंग। जो पेल्टन टर्बाइन में हम केसिंग का प्रयोग करते हैं वह वाटर टाइट केसिंग प्रयोग करना उसमें ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि जो केसिंग है उसका कोई हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं होता। केसिंग को सिर्फ स्प्लैशिंग ऑफ वाटर को प्रिवेंट करने और दूसरा वाटर को टेल रेस तक गाइड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि जो फ्रांसिस टर्बाइन है इस केस में जो रनर है वह टोटली कह सकते हैं कि एनक्लोज होता है वाटर टाइट केसिंग के साथ, और जो केसिंग होती है वो स्पाइरल या स्क्रोल केसिंग इसमें हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है एडमिटेंस ऑफ वाटर। जो वाटर है पेल्टन टर्बाइन के केस में उसको जेट की फॉर्म में एडमिट किया जाता है,
और जो जेट हैं वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हम बात करें जो नंबर ऑफ़ जेट हैं पेल्टन व्हील में, नॉर्मली तो एक नोजल का यूज़ करते हैं जिससे एक ही जेट बाहर निकलता है, लेकिन जो नंबर ऑफ़ जो नोजल हैं वो मेनली डिपेंड करते हैं कि हमें पावर की रिक्वायरमेंट कितनी होती है सेम व्हील पर। थ्रेटिकली जो नोजल हैं वो 6 हो सकते हैं। अगर पेल्टन टर्बाइन में वर्टिकल रनर है तो उस केस में 2 जेट का प्रयोग किया जाता है पर रनर। अगर पेल्टन टर्बाइन में जो हॉरिजॉन्टल है वो, तो उस केस में पर रनर 4 जेट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम बात करें फ्रांसिस टर्बाइन में, तो इसमें जो वाटर जो एडमिट होता है वह जो सरकमफ्रेंस होती है रनर की उसमें पूरी तरह से वो एडमिट होता है, और जो रनर होता है पूरी तरह से पानी से कह सकते हैं उसमें सबमर्ज्ड होता है, या उस पर रनर के चारों तरफ पानी होता है। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ टर्बाइन। टर्बाइन जो पेल्टन टर्बाइन है इसको जब इंस्टॉल करते हैं इसको टेल रेस से ऊपर रखा जाता है, और इसमें जो प्रेशर है थ्रू आउट एटमोस्फेरिक रहता है और ड्राफ्ट ट्यूब का इसमें प्रयोग नहीं करते। लेकिन जो फ्रांसिस टर्बाइन है या जो रिएक्शन टर्बाइन होती है जनरली उसको टेल रेस के साथ कनेक्ट किया जाता है ड्राफ्ट ट्यूब की मदद से, और जो ड्राफ्ट ट्यूब है वो एक ग्रेजुअली एक्सपेंडिंग पैसेज होता है। और जो फ्रांसिस टर्बाइन है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं टेल रेस से नीचे भी कर सकते हैं और उससे ऊपर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लो रेगुलेशन। फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो पेल्टन टर्बाइन है इसमें हम एक नीडल वाल्व का यूज़ करते हैं, या फिर उसको स्पीयर कहते हैं, जिसकी मदद से फ़्लो को रेगुलेट किया जाता है। जबकि जो फ्रांसिस टर्बाइन होती है इसमें फ़्लो रेगुलेशन गाइड वेन असेंबली की मदद से किया जाता है। इसमें दूसरे और कंपोनेंट भी होते हैं जिसमें स्क्रोल केसिंग है, स्टेयरिंग है, रनर इत्यादि। अगर हम बात करें डिस्चार्ज की बात करें, तो डिस्चार्ज जो पेल्टन टर्बाइन है इस केस में जो डिस्चार्ज है वो कम होता है, जबकि फ्रांसिस टर्बाइन में डिस्चार्ज मीडियम डिस्चार्ज होता है। उसके बाद है मेंटेनेंस वर्क। पेल्टन टर्बाइन के केस में जो मेंटेनेंस वर्क है वो कम रहता है, जबकि फ्रांसिस टर्बाइन के केस में मेंटेनेंस वर्क ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है माउंटिंग ऑफ शाफ्ट। जो पेल्टन टर्बाइन है यूजुअली इसमें जो शाफ्ट होती है वो हॉरिजॉन्टली इसमें उसको रखा जाता है, और जो फ्रांसिस टर्बाइन है इसमें दोनों डायरेक्शन हो सकती हैं, शाफ्ट वर्टिकल भी हो सकती है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बकेट्स या वेन। क्योंकि जो पेल्टन टर्बाइन है इसमें रनर की आउटर फेरी फिर बकेट्स लगे होते हैं, जबकि जो फ्रांसिस टर्बाइन है इस केस में वेन्स लगी होती हैं, स्टेशनरी वेन्स भी होती हैं और गाइड वेन्स भी इसमें लगी होती हैं। अगर हम बात करें कितनी वेन्स या बकेट्स होती हैं, पेल्टन टर्बाइन के केस में जो नंबर ऑफ बकेट्स होती हैं वो हो सकती हैं 20 से 23 हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली वो 21 होती हैं। और अगर हम बात करें फ्रांसिस टर्बाइन की, फ्रांसिस टर्बाइन में जो नंबर ऑफ वेन्स होती हैं वो 16 से 24 होती हैं, और रनर पर ड्राइविंग फोर्स इम्पल्स और रिएक्शन दोनों इफ़ेक्ट्स के कारण होता है। उसके बाद अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, जो एफिशिएंसी है जो मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी है पेल्टन टर्बाइन की कम होती है, वो होती है 89% के आसपास, और जो फ्रांसिस टर्बाइन है इसकी जो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होती है वो 93% के आसपास होती है। अब बात करते हैं कि जो पेल्टन टर्बाइन है या जो फ्रांसिस टर्बाइन है वो इंडिया में कहाँ कहाँ पर लगी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पेल्टन टर्बाइन की, मंडी हाइड्रोलिक स्कीम हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्क्स, यह कर्नाटक में है। उसके बाद है इडुक्की डैम, यह अगर हम बात करें केरला में है। पाइकरा डैम, यह तमिलनाडु में है। उसके बाद पालीवसल पावर स्टेशन, यह भी केरल में है। तो ये कुछ ऐसे डैम्स हैं जिनमें पेल्टन टर्बाइन्स का प्रयोग किया जाता है। अगर फ्रांसिस टर्बाइन की बात करें, तो फ्रांसिस टर्बाइन जैसे टेहरी डैम है जो उत्तराखंड राज्य में है, कोयना डैम जो सतारा महाराष्ट्र में है, उसके बाद भाखड़ा डैम है जो हिमाचल प्रदेश में है, नाथप्पा झाकड़ी यह हिमाचल प्रदेश में है, उसके बाद नागार्जुन सागर डैम है जो कृष्णा नदी पर बना है और तेलंगाना राज्य में है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में बात की कि जो पेल्टन टर्बाइन है और जो फ्रांसिस टर्बाइन है उनको हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, किस किस फैक्टर्स पे हम डिफ्रेंशिएट उसको कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ,
और एन यूनिवर्स डबल टू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।